जय हिंद साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी रेडर ब्लॉग्स। दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। और मैं रिटायर्ड MSCP ऑनर अनिल कुमार। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ कि न्यूज़ के साथ। दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है तो वो है TRV भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ TRV भर्ती रिलेटेड, बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर बना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज हैं जिसमें बता रहे हैं कि TA भर्ती आएगी 2023 के अंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर TA भर्ती 2023 में कोई भी आने वाली नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग अभी TA भर्ती की तैयारी छोड़कर आप दूसरी फोर्सेज की तैयारी कीजिए, चाहे CRPF है या BSF है या फिर अग्निवीर है, तो आप उनकी तैयारी जरूर कीजिए। क्योंकि ये जो भर्ती जो अभी कैंसिल हुई है, ये अप्रैल में होनी थी जो TA भर्ती, बट किसी रीजन की वजह से क्या है, इसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि अभी अग्निवीर का भी यहाँ पर क्या रिटर्न एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, उसकी वजह से ये शायद भर्ती कैंसिल हो गई है दोस्तों। क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि अभी शायद अग्निवीरों को ही शायद इसके अंदर रिमस्ट किया जाएगा, जहाँ तक मेरे अनुसार जो जानकारी है दोस्तों। एंड दोस्तों, काफ़ी सारी आपको न्यूज़ जो है YouTube के ऊपर देखने को भी मिल रही होंगी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं TA भर्ती के रिलेटेड जो काफ़ी सारे लोग हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कि मेरे जो व्यूज़ रहते हैं वो स्पष्ट रहते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ सही जानकारी आप लोगों के लेके आता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हम अपने भाइयों की अगर यहाँ गलत जानकारी लेके आएंगे, तो शायद वहाँ पर ये मन के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यही सोचता हूँ, यही सोचकर मैं यह जानकारी जो है आप लोगों के लेके आता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, TA भर्ती जो है अभी वो नहीं होने वाली है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं TA भर्ती की, तो दोस्तों TA भर्ती की आप अपना जो है रूटीन वर्क को कंटिन्यू रखिए अपने, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी हेल्थ और उसके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने रूटीन को जारी रखिए, ताकि और कोई फोर्स की भर्ती आती है तो आप उसमें क्या है यहाँ पर अप्लाई कर सकें और वहाँ पर क्या है आप सक्सेसफुल हो सकें दोस्तों। मैं काफ़ी सारी जानकारियाँ आप लोगों के अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ, और ये भी जानकारी आप लोगों के लिए पक्का लेके आऊँ दोस्तों। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है और मेरे व्यूज़र आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों तक इस चीज़ को जरूर पहुँचाएँ दोस्तों। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यूट्यूब पे बाकी लोग इतना जो वीडियोस दे रहे हैं, चाहे वो फेक न्यूज़ आ रही हैं या फिर वो इधर भी, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोगों तक ही जो है न्यूज़ को पहुँचाने का जो तरीका है, जो मुझे आप लोगों तक पहुँचाने चाहिए, मैं वही पहुँचा रहा हूँ दोस्तों। एंड मुझे जो लगता है जो सही है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है अफवाहें जो चलती रहती हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप उनके बहकावे में ना आए और कभी भी आप क्या फ्रॉड चीज़ों के बहकावे में ना आए। क्योंकि आजकल एक वेबसाइट ही जो है जो ट्विटर आर्मी की वेबसाइट है, उस पर भी कुछ फेक नोटिस चल रहे हैं दोस्तों। तो उसका भी किसी ने क्या है कोई फेक वेबसाइट बना रखी है, तो आप कहीं धोखे में ना आ जाएं और उस वेबसाइट के ऊपर जाके कहीं रजिस्टर ना कर दें दोस्तों। तो इस चीज़ से अवेयर रहें आप लोग, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ वेबसाइट ऐसा हो रहा है कि आजकल के लोग क्या झूठी जो वेबसाइट है ना, डुप्लीकेट वेबसाइट बना रहे हैं और लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो आप अपना पैसा वहाँ पर ना गंवा दें, इसीलिए मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के लेके आता हूँ दोस्तों। तो आप उन साइट से ना बिल्कुल सावधान रहें, अवेयर रहें। आप जब भी अपना फॉर्म वगैरह भरवाते हो, तो या तो उस वेबसाइट चेक कर लें, या फिर आप जब फॉर्म भरने के लिए जाते हो तो CSC सेंटर में जरूर जाएं दोस्तों। क्योंकि अगर आप CSC सेंटर से वहां भरोगे, तो आपका जो पैसा है वहां पर वेस्टेज नहीं होगा, आपको सही साइट पे क्या है फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। हम लोग क्या होते हैं कि कुछ पैसे 5 या 10 रुपये बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, हम खुद ही फॉर्म को क्या फिलअप कर देते हैं, और हो सकता है कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो क्या है फॉर्म हमारा है गलत फील हो जाए, और क्या है हमें हम जिस भर्ती को देखना चाहते हैं वो भर्ती हम ना देख पाए दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल आप सोच समझ कर करें जो भी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी सेंटर पर जाके ही आप फॉर्म भरिए, खुद भरिए, लेकिन उसको आप बिल्कुल तसल्ली से भरिए और बिल्कुल उसको सही जानकारी के अभाव में ही सही जानकारी है उसमें भरें दोस्तों। अगर आपका सही जानकारी का अभाव है, तो आप उस अभाव में उसको फॉर्म को ना फिलअप करें दोस्तों। दोस्तों, मेरा हमेशा यही मेरा ये रहा है, हमेशा सपोर्ट भी रहा है आप लोगों के लिए, कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आऊँ और हमेशा लेके आता रहूँगा दोस्तों। क्योंकि मैंने जो अपनी इंडियन आर्मी की सर्विस से मैंने सीखा है,
वो मैंने काफी कुछ एक्सपीरियंस करके आप लोगों के लिए सब कुछ लेके आता हूँ दोस्तों। मैंने भी 17 इयर्स के आर्मी के अंदर जॉब किया है, उसके बाद ही मैं अभी सिविल लाइफ के अंदर क्या है थोड़ा सा इतना ज़्यादा सेटलमेंट नहीं हूँ, लेकिन बट हूँ उतना काफ़ी है दोस्तों। क्योंकि इंसान को पता है जितना मतलब इंसान के पास ज़्यादा होता है ना तब भी वो उतना ही खुश उतना ही उसको खुश रहता है, और जब उसका जितना कम मतलब जितना इंसान के पास हो उसमें उसको उसको उस इंसान को क्या है खुश रहना चाहिए दोस्तों। उसके ज़्यादा है तो ज़्यादा के हिसाब से इंसान खुश है, कम है तो कम के हिसाब से इंसान खुश है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है और इस पर डाले हुए वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब हो तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।